दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त भक्तों की लंका में आग लगी हुई है, क्योंकि भक्त बहुत जल्दी किसी न किसी को अपना पप्पा मान लेते हैं और जो पप्पा बन के बैठे होते हैं उनका बस एक ही काम होता है, मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों से जुड़े जज्बाती मामलों में इंटरफेयर करना और मुसलमानों की बड़ी बड़ी जो पाकीज़ा मकामात हैं उनकी बेअदबी करना, इसके साथ ही कुरान के बारे में अनर्गल बातें करना, पैगंबर के बारे में ऊट पटांग उलूल जुलूल बातें करना, इस तरह का पेशा बन चुका है ऐसे लोगों का जिनको अंधभक्त अपना उस्ताद मानते हैं, अपना पप्पा मान लेते हैं। और अभी अभी भक्तों की नई नई अम्मा पैदा हुई थी जिसका नाम है नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा के बाद एक और पप्पा आए थे और उनका नाम है नवीन जिंदल, और दोनों का ताल्लुक बीजेपी से है। एक मीडिया प्रभारी है, एक मीडिया प्रकोष्ठ देखते हैं, और दूसरी जो नुपुर शर्मा है वो बीजेपी की प्रवक्ता मानी जाती हैं, स्पोक पर्सन, यानी जब डिबेट होगा तो वो स्पोक पर्सन बन जाती हैं, उस वक्त वो भाजपा की तरफ से पार्टी का पक्ष रखती हैं और पार्टी का पक्ष रखते रखते गुस्ताखे रसूल बन गई, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली ऐसी खातून बन गई जिसकी को दुनिया भर से लानतें मिल रही हैं, लानत मलामत मिल रही है, और अब तो उनकी पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। यानी कि जिस पार्टी का सिंबल लेकर के वो पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी कर रही थी, उनके लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रही थी, उनके फैमिली को, उनके परिवार को, उनके खानदान के ऊपर लांछन लगा रही थी, अब वही नुपुर शर्मा अपनी पार्टी से पैदल हो चुकी हैं। और कुछ वही हाल हुआ है नवीन जिंदल के साथ। नवीन जिंदल के टाइमलाइन पर अगर आप जाकर देखेंगे तो नफरतों की बाढ़ आई हुई है, मतलब 72 हूरों वाला, आसमानी किताब वाले, पत्थर फेंकने वाले, इस तरह के शब्द आप वहां पे पाएंगे। इन्होंने भी नबी की शान में गुस्ताखियां की थी और नबी के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, लेकिन दोनों के दोनों ही इस वक्त पैदल हो चुके हैं। लेकिन पैदल हुए, जैसे ही पैदल हो गए वैसे ही गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए। इस वक्त दोनों ही नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, ये दोनों गुस्ताखे रसूल इस वक्त हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं और दुनिया भर से मिल रही तमाम लानतों के बदले अपना सर छिपा रहे हैं, भैया हमें चप्पल ना मारो। यानी कि दुनिया चारों तरफ से इस वक्त भारत को कोस रही है। अरब देशों के बहिष्कार के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है, और ये समझ लीजिए कि हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि जो विश्व गुरु बनने की चाहत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब देशों का दौरा करने जाते हैं, लिपट लिपट के गले लगते हैं या गले पड़ जाते हैं, अब समझिए कि वो दौर खत्म भी हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं की जबान पर लगाम नहीं लगाए तो हो सकता है इसका अंजाम बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस तरह की घटनाओं को देख रही है और ऐसे लंगूर और बंदरों को पूरी दुनिया जानवर की तरह समझ रही है। मतलब इनकी गिनती इंसानों में नहीं हो रही है, इनकी गिनती जानवरों में हो रही है जिनके पास हाथ पैर तो है, चलने की ताकत तो है, खाने के लिए मुंह तो है, लेकिन सोचने के लिए अकल नहीं है, समझने के लिए जज्बात नहीं है। बस सामने अगर मुसलमान है, टोपी वाला है, तो ये कुछ भी बोल देंगे। मस्जिदों को खोज खोज कर उसके नीचे तहखाने में जाकर देख रहे हैं कि यहां हिंदू प्रतीक चिन्ह है कि नहीं है, वहां शिवलिंग है कि नहीं है, वहां मंदिर है कि नहीं है। अभी एक साहब तो भूख हड़ताल करके बैठे हुए ज्ञानवापी पे कि भैया हम जाकर शिव जी का आराधना करेंगे, जल चढ़ाएंगे, वो बालक अभी हैं शिव जी, और उन पर जब तक हम जल दूध नहीं चढ़ाएंगे उनको भूखा नहीं छोड़ सकते, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को लेकर के भारत के मुसलमान थोड़े खामोश हो सकते हैं, क्योंकि यहां तो दिखाने के लिए बुलडोजर है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश नहीं हो सकती, आप पूरी दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला सिर्फ मस्जिदों तक सीमित होता तब तो बात अलग होती कि चलो भाई भारत का मामला है, भारत की मस्जिदों का मामला है। अब पैगंबर को बुरा भला कोई कहता है, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ये कह देंगे कि भैया ये भारत का मामला है? ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि मुसलमानों के अंदर चाहे फिरका परस्ती का मामला हो,
चाहे अलग अलग तबके का मामला हो, चाहे सुन्नी दोबंदी बरेली वहाबी शिया सुन्नी का मैटर हो, ये तमाम चीजें एक तरफ हैं। लेकिन जब पैगंबर का मामला आ जाएगा तो पैगंबर के मामले में तो शिया सुन्नी देवबंदी बरेली और फिरका परस्ती तो काम आएगा नहीं, उस वक्त सारे लोग मिलकर के इसका विरोध करेंगे। और जब चारों तरफ से थू-थू होने लगी है और पार्टी से निकाले गए हैं, तो नुपुर शर्मा और जो नवीन जिंदल हैं इनकी भाषा देखिए कैसे बदल गई है। नुपुर शर्मा कह रही हैं कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था, मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। भाई आपके मन में जहर था ना, किस नेता ने इस तरह की बातें कही हैं कि दिल्ली के फुटपाथ पर शिवलिंग पड़ी हुई है? किसने कहा? सोशल मीडिया पर पब्लिक आपस में तमाम गाली गलौज करती है, ठीक है, लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पर थी और आप इतनी ही रोष से भरी थी तो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ क्यों बोला? अपने अम्मा अब्बा के बारे में बोल ली होती, अपने दादा दादी के बारे में बोल दी होती, अपने मम्मी पापा को गाली दे दी होती, अगर इतना ही अब के आपके अंदर रोष था। लेकिन आपके अंदर इतना सोचने की ताकत थी कि मुझे क्या जवाब देना है जिससे मुसलमानों को ठेस पहुंचे, और आपने उन शब्दों को दोहराया और यह भी कहा कि मैं कोई गलत थोड़ी ना हूं। उस वक्त तो आप अपने आप को बहुत सही मान रही थी, अब आप अपने शब्द वापस ले रही हैं। ऐसा क्यों, ये दोगली पॉलिसी क्यों? एक बत्ता रहिए, एक बात पर टिके रहिए। अगर आपने कुछ कहा तो कहेगा मैं टिकी हूं और मैं साबित कर सकती हूं कि मैंने जो कहा है सही कहा, तब तो आपको मानते हैं। लेकिन आईटी सेल की प्रोडक्ट आप हैं, इसलिए आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही मैं नवीन जिंदल के बारे में बता दूं, नवीन जिंदल ये मीडिया के संभालते थे, अब ये कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उन मानसिकता वालों से था जो हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करके नफरत फैलाते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं से एक सवाल पूछा था, इसका अर्थ ये नहीं था कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ हैं। इनके टाइमलाइन पर जाकर मैं दिखा दूं तो मुझे पढ़ने में भी शर्म आएगी। इस बेशर्म वाहियात और इस शख्स को ये शर्म नहीं आ रही है कि कह रहा है कि मैं हम तमाम धर्मों का सम्मान करते हैं। भाई तमाम धर्मों का सम्मान तो आपकी भारतीय जनता पार्टी करती है, जो लिख करके कह रही है कि हाँ हम इस तरह के लोगों के साथ नहीं हैं, हम तमाम धर्मों का सम्मान करते हैं। वो तो लिख करके भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसे लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं। भारत सरकार ने कहा है कि ऐसे लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं, असामाजिक तत्व हैं। मतलब अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिस तरह की बातें कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने असामाजिक तत्व कहा है। तो ऐसे लुच्चे लफंगे मवाली और वाहियात लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी क्यों जगह देती है? निकाल फेंके ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से रिलेशन क्यों रखना है? और ऐसे लोग अब बहाना क्या बना रहे हैं? जब चारों तरफ से इनको लानतें मिल रही हैं, तब ये क्या कह रहे हैं अपने बचाव में? मेरा सभी से विशेष आग्रह है कि कृपया मेरा पता सार्वजनिक ना करें। मुझे और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। दिल्ली पुलिस, कनाट सेंट्रल कमिश्नर ऑफ पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली कृपया संज्ञान लें। भाई ये तो आप एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, आप जो है एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब तो मैं फंस ही चुका हूं, कम से कम यही बहाना बना करके कुछ दिन और सुर्खियों बना रहा हूं, क्योंकि जब तक आपकी कीमत तभी थी जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे और अब तो आपको निकाल दिया गया। कुछ ऐसा ही बहानाबाजी कर रहा था महाराणा प्रताप सेना नाम का एक व्यक्ति, जो दावा कर रहा था कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे मंदिर है, बल्कि वही उसी के ऊपर जो है दरगाह बना दिया गया, और तमाम तरह के सबूत दिखाने की बातें वो कर रहा था। जब जांच पड़ताल होने लगी तो शुरुआती जांच में, मीडिया की ही जांच में उसकी पोल पट्टी खुल गई। उसके बाद फिर वो कर रहा था कि भैया मेरी जान को खतरा है, मुझे लोग बहुत धमकी दे रहे हैं, ये है वो है वो ये है। वही काम आप भी कर रहे हैं।
तो नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा जैसे लोगों को आजीवन किसी भी पार्टी में रखने का फरमान जारी कर देना चाहिए। ऐसे लोग कहीं भी, ये तो समाज में रहने लायक नहीं है, पार्टी तो बहुत दूर की बात है। और याद रखिए, ऐसे लोग किराए के लोग होते हैं, सस्ती लोग प्रियता पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। कभी अपने माँ बाप के बारे में भी अगर कोई अपशब्द कहना होगा तो भी कह जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को सस्ती लोकप्रियता प्यारी होती है। और भारतीय जनता पार्टी को सुधरना होगा, अपने ऐसे नेताओं को सुधारना होगा। और ये बुलडोजर की पॉलिटिक्स हमेशा काम नहीं आएगी। ये बुलडोजर आपने नहीं बनाया, विदेशों से खरीद करके लाए तब गिरा रहे हैं आप। और किसी के घर मकान में बुलडोजर चलाकर, किसी के धर्म को अपमानित करके, किसी को बुरा भला कह करके, पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके, माफ करिएगा मोदी जी, आप विश्वगुरु तो कभी नहीं बन पाएंगे। लपक लपक का फोटो आप जरूर खिंचवा लेंगे नेताओं के बीच में, जल्दी से लपक कर आगे पहुंच जाएंगे, फोटो जरूर खिंचवा लेंगे, लेकिन इस तरह से तो विश्वगुरु कभी नहीं बन पाएंगे। हर तरफ फिर आपको नफरत की निगाह से देखा जाएगा, घृणा की निगाह से देखा जाएगा। इसका ताजा मिसाल है जो कतर ने लताड़ा है। और दुनिया के तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो भारत के बाइकाट की बात कर रहे हैं इन्हीं करतूतों की वजह से। तो मोदी जी, भारत की इतनी फजीहत मत करवाइए कि पूरे भारत का शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि आपको शर्मिंदगी हो ना हो, लेकिन हम लोगों को शर्मिंदगी है। बहैसियत एक मुसलमान हम अपने देश को बेइज्जत होते नहीं देख सकते। आप भले ही देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को आदत हो सकती है, हम लोगों तो नहीं है। फिलहाल क्या कहेंगे इन गिड़गिड़ाने वाले दो लोगों के बारे में, नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।